मैंने आपका जो तारुफ करवाया जिसमें पहली दफा मेरी और आपकी आंखें चार हुई जिंदगी में, मेरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुननी है? मैं चाहूंगा सुनना, क्यों नहीं, सुनाइए। अच्छा, एक मतलब एक बंदी बैठी है, मेकअप करवा रही है। मैं इनकी ना बहुत बड़ी फैन थी और मैं बहुत इनको एडमायर करती थी, इनके काम को। तो अचानक ही मेरे सामने आया और उन्होंने मुझसे बात ऐसी की, और मैं सीन के लिए इतनी देर हो रही थी मुझे, और ये मेरे बारे में मशहूर है कि अगर मेरा सीन होता है और मुझे कोई भी मेरे सामने आ जाए और वो मुझे बोले मुझे बात करनी है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं सीन के बाद आपसे बात करूँगी। ये शर्त शादी वाले दिन मत रखना। तो अच्छा, अब मैं उनको ना बोल नहीं पाऊँ, मैं ये, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं तो ये बोल ही जा रहे थे। अब मैं आगे से कही थी कि मैं अब इनको बोलूँ, ये अब चुप हो तो मैं अब बोलूँ, ये अब चुप हो तो मैं अब बोलूँ। इन्होंने बस बात करती, नहीं नहीं तुम आ रही हो, बस मिलना है मिलना है। अब मैंने कहा खलो जाओ मेरी भी खला रखो। मैंने इनको बताया, मैंने कहा वो मेरा सीन है। अब मैं मेरे अंदर फिल्टर शुरू से नहीं है, तो मैंने ना बिल्कुल बिना सोचे बस बोल दिया, तो मुझे लगा है बुरा मान। उसके बाद मुझसे ना सीन हो ना उससे कुछ हो, मैंने कहा अल्लाह मैं इनके पास जाऊँ, मैं इनको बोलूँ, मैंने इस वजह से नहीं बोला था आपको मैंने। उसके बाद जब इन्होंने मुझे खुद से मेरा नंबर लिया, इन्होंने मुझे खुद से कॉल की, मैंने कहा यार इनकी कॉल, इन्होंने कॉल उठाई, इन्होंने मुझे जिस तरह से मेरा कैरेक्टर समझाया, आज तक मुझे नहीं लगता किसी राइटर ने मुझे इतना डिटेल में कैरेक्टर समझाया होगा। काम करते हैं उतना ही सिंसेयर, यू नो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई राइटर इतना सेट पे आए। अच्छा अच्छा, कभी कभी ऐसी बातें लाशौरी में भी हो जाती हैं, बंदा मतलब अचानक बंदा देख के टाइम लैप्स मांगता कि मैं इनसे बात करूं, तो बोले यार तेरे वास्ता उर्दू ना बोले, अगर तू अपनी डबिंग करा ले।